ओके सो गाइस रेडी हो चुके हैं, तो चलो चलते हैं। फाइनली कटरा पहुंच चुके हैं। कटरा का नाम सुनते काफी लोगों को पता चल ही गया होगा कि कहाँ जा रहे हैं। सो जिन जिनको नहीं पता तो बता दूं, माता वैष्णो देवी जी का बुलावा आया तो चलते हैं। तो ट्रिप शुरू होती है हमारी यहीं से, कटरा से। तो चलते हैं आगे, मौज मस्ती करेंगे तो आपको सब कुछ दिखाएंगे। तो दोस्तों, वैष्णो देवी यात्रा के लिए आपको सबसे पहले यात्रा पर्ची लेनी पड़ती है, जो कि आपको कटरा से ही मिल जाती है। तो दोस्तों, यात्रा पर्ची लेने के बाद आप अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये है वो पहला चेक पॉइंट जहां आपकी यात्रा पर्ची के साथ सामान चेक किया जाता है। तो दोस्तों, यात्रा पर्ची और सामान चेक कराने के बाद आप अपनी यात्रा जय माता दी बोल के शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, यात्रा के दौरान अगर आप अपनी यात्रा घोड़े, पिट्ठू या पालकी के द्वारा करना चाहते हैं तो इनकी सुविधा भी आपको यात्रा में मिल जाएगी। तो आइए दोस्तों, इनके चार्जेस जान लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अपनी यात्रा घोड़े खच्चरों द्वारा करते हैं तो इनके प्राइस अधकुआरी तक 650 और भवन तक के 1250 देखने को मिल जाएंगे। और अगर आप अपनी यात्रा पालकी द्वारा करते हो तो इनके प्राइस अधकुआरी तक 1850 और भवन तक के 3150 देखने को मिल जाएंगे। और अगर आप अपनी यात्रा पिट्ठू द्वारा करते हो तो इनके प्राइस 340 और भवन तक के 540 देखने को मिल जाएंगे। और अगर आप हेलीकॉप्टर द्वारा दर्शन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। ऑनलाइन बुकिंग कराने के लिए माँ वैष्णो देवी .org पे जाके ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं, जिसके वन साइड चार्जेस 1800 पर पर्सन और बोथ साइड के आपको 3600 पे करने पड़ेंगे। तो दोस्तों, रास्ते में आपको दोनों साइड बहुत सारे मंदिर मिल जाएंगे और फोटोशूट के लिए दुकानें भी मिल जाएंगी, जहां पे आपको ऐसा लगेगा लाइव आप भवन के अंदर खड़े होकर लाइव फोटोशूट करा रहे हैं। तो दोस्तों, चेक पॉइंट से थोड़ा सा चल के आपको आगे बहुत ही फेमस गुलशन जी का लंगर मिल जाएगा, जो की टी सीरीज द्वारा शुरू हुआ था और टी सीरीज ही इस लंगर को चलाती है। तो दोस्तों, 1 से 1.5 किलोमीटर चलने के बाद बहुत ही पवित्र स्थान बालगंगा आएगा। अगर आप चाहें तो वहां स्नान या डुबकी लगा के अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक बात तो है, अगर आपको रास्ते में कहीं भी भूख प्यास लगे तो आप किसी भी दुकान में रुक के चाय नाश्ता वगैरह कर सकते हैं। तो दोस्तों, जगह जगह ऐसे मिनरल वाटर के आउटलेट्स लगे हुए हैं जहां से आप अपनी बॉटल रिफिल करा सकते हैं। सो भाई, सबकी हालत देख सकते हैं ब्रो। तो दोस्तों, रास्ते में आपको दो ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, स्टेयर्स और प्लेन रास्ते में। तो दोस्तों, जो प्लेन रास्ता है वो थोड़ा लंबा हो जाएगा पर प्लेन होगा,
तो जो स्टेयर्स है उससे रास्ता थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा, पर स्टेयर्स होगा इससे आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तो स्टेयर्स का ध्यान रखिएगा। रास्ते में आपको बहुत सारी मसाजिंग चेयर देखने को मिल जाएंगे, जिनके प्राइजेस 30 से 40 रुपीस तक देखने को मिल जाएंगे। जनकारा शेरा वाली दा और साथे दरबार की जय, माँ के प्यार की जय, जोर से बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, असी नहीं सुनिया जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, जनकारा शेरा वाली दा बोल संचे दरबार की जय। तो दोस्तों अर्धकुंवारी की गुफा में माता रानी ने 9 महीने का समय बिताया और तपस्या की थी, इसीलिए इस गुफा को गर्भजून गुफा भी कहा जाता है। तो दोस्तों अर्धकुंवारी से ऐसे बैटरी कार देखने को मिल जाएंगे जिसके प्राइजेस 350 रुपीस पर पर्सन देखने को मिल जाएंगे। सो गाइस फाइनली हम पहुंच गए थे कोई 2:30 बजे एंड देन हम फ्रेश हुए। सो हमारे आधे साथियों ने तो दर्शन कर लिए, तो अभी हम जाएंगे दर्शन करने। पहली शिफ्ट होती है यहाँ पे कोई 5:30 से पहले और दूसरी शिफ्ट होती है 7-8 बजे के। अभी 8 चल रही है, अभी 10 मिनट बाद हम दर्शन करने जाएंगे। तो दोस्तों 30 से 40 मिनट में हमारे दर्शन हो गए थे, दर्शन काफी अच्छे हुए थे और माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने के बाद हम निकल पड़े थे भैरव बाबा जी के दर्शन करने के लिए। तो दोस्तों भवन से 2.5 किलोमीटर की दूरी पे आपको मंदिर देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों भैरव बाबा मंदिर जाने के लिए आपको ऐसी केबल कार की सुविधा देखने को मिल जाती है जिसके चार्जेस पर पर्सन 100 रुपीस है, जिसके टिकट काउंटर 4:30 बजे तक बंद हो जाते हैं, इससे पहले ही आपको टिकट लेनी पड़ेगी। तो दोस्तों लाइन बहुत लंबी थी, हमें तो टिकट नहीं मिली, तो इसीलिए हमने यात्रा पैदल ही शुरू कर दी। दोस्तों हमने तो भैरव बाबा मंदिर के लिए ज्यादातर स्टेयर्स ही चूज की थी, आप चाहें तो प्लेन रास्ता भी चूज कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है जब माता रानी अर्धकुंवारी में गर्भजून गुफा से आगे बढ़ने लगी तो माता रानी ने देवी रूप धारण किया और सीधा पवित्र गुफा में प्रवेश किया, जिसको आज हम माता रानी के भवन के रूप में जानते और पूछते हैं। माता रानी ने कई बार भैरवनाथ को पीछा करने से मना भी किया, पर वो नहीं माना और गुफा में प्रवेश करने के लिए पहरा दे रहे हनुमान जी से युद्ध करने लगा। कभी न खत्म होने वाले युद्ध को देखकर माता वैष्णो देवी ने महाकाली का रूप धारण किया और भैरवनाथ का वध करा और भैरवनाथ का सर कटकर 3 किलोमीटर दूर त्रिकुट पर्वत की भैरव घाटी में गिर पड़ा और उस जगह पर भैरव बाबा का मंदिर है। कहा जाता है वध करने के बाद भैरवनाथ को उसकी गलती का एहसास हुआ और उसने माता रानी से क्षमा भी मांगी। तब माता रानी ने उसे आशीर्वाद दिया कि जो भी भक्त मेरे दर्शन करने के लिए आएगा वो तेरे दर्शन भी करेगा, वरना उसकी यात्रा सफल नहीं मानी जाएगी।
गाइस फाइनली रूट होता खत्म, सबकी हालत देख सकते हैं। गंगू भाई